कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी की बात सही या फिर राजनाथ की, जाने सदन में किसने क्या कहा और कौन सही है कौन गलत है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में अग्निवीर का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने अग्निवीर की ट्रेनिंग, शहीद के दर्जे से लेकर पेंशन पर अपनी बात रखी। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इस मामले में सदन को भ्रमित कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम को लेकर कई बातें कही और सरकार पर निशाना साधा। उनकी बात का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोध किया। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी की बात कितनी सही है, क्या राहुल सदन को गुमराह कर रहे हैं या फिर उनके आरोप सही है, चलो जानते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, वे लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। मैं उन्हें शहीद कह रहा हूं, लेकिन सरकार और नरेंद्र मोदी उन्हें शहीद नहीं कहती, अग्निवीर कहती है। उन्हें न शहीद का दर्जा मिलेगा न पेंशन मिलेगी। आम जवान सरकार की मदद करेगी लेकिन अग्निवीर की नहीं। अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जबकि चीन के जवानों को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है और अग्निवीर को राइफल लेकर खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जवानों में फूट डाली जा रही है, एक को पेंशन और शहीद का दर्जा और दूसरे को नहीं, फिर ये सरकार अपने आप को देशभक्त कहती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद होने पर अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता में दी जाती है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है, फैक्चुअल पोजीशन रखनी चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष अपने स्टेटमेंट का सत्यापन नहीं करते तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या है मौजूदा स्थिति, अगर अग्निवीर वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। भारतीय सेना के मुताबिक अग्निवीर की सेवा शर्तों के मुताबिक बैटल कैजुअल्टी होने पर परिवार वालों को इंश्योरेंस के 48 लाख रुपए अग्निवीर द्वारा जमा सेवा निधि 30% और इतना ही अमाउंट सरकार द्वारा दिया जाएगा। एक्स ग्रेसिया के तौर पर 44 लाख रुपए बाकी बचे कार्यकाल सैलरी दी जाएगी। साथ ही आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअल्टी फंड से 8 लाख रुपए AWWA की तरफ से तुरंत मदद के तौर पर 30,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई रेगुलर सैनिक शहीद होता है तो उनके परिवार को भी यही सब आर्थिक मदद मिलती है। हालांकि अग्निवीर के केस में इंश्योरेंस का पैसा अग्निवीर जमा नहीं करते, जबकि रेगुलर सैनिक के केस में उनका इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है। इससे साथ ही रेगुलर सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवार को उनकी आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलती है। साथ ही पूर्व सैनिक को आर्मी कैंटीन मिलिट्री हॉस्पिटल के जो फायदे होते हैं वे भी शहीद के परिवार को दिए जाते, ये अग्निवीर को नहीं मिलता। अग्निपथ स्कीम किसकी है, राहुल गांधी ने कहा कि जो सच्चाई है वह सेना को और अग्निवीरों को मालूम है। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना की नहीं है, यह पीएमओ की स्कीम है। यह सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, यह पीएम का ब्रेन चाइल्ड है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 158 संगठनों में संवाद कर इस योजना को लाए हैं। यूएस यूके में भी इस तरह की स्कीम है। बिना समझे बिना जानकारी के सदन को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या है मौजूदा स्थिति, पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने अपनी आने वाली किताब फोर्स ऑफ डेस्टिनी में अग्निपथ को लेकर लिखा है कि यह आर्मी को हैरान करने वाली थी और एयरफोर्स और नेवी के लिए ये तो झटके की तरह आई थी। जनरल नरवणे ने लिखा है कि उन्होंने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। उनमें कुछ सीमित संख्या में सैनिकों को कम अवधि के लिए भर्ती करने का प्रस्ताव था। यह अधिकारियों के शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय PMO बाद में एक अलग स्कीम लेकर आया, अग्निपथ, जिसमें सारी भर्ती ही 4 साल के लिए होनी है। जनरल नरवणे की किताब कब आएगी इस पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। उनकी किताब को अभी रक्षा मंत्रालय का अप्रूवल नहीं मिला है। तो दोस्तों, संसद में राहुल गांधी ने जो अग्निपथ स्कीम के प्रति जो बात बोली है वो सही है या फिर राजनाथ सिंह ने बोली है वो सही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमें ये भी जरूर बताएं कि अग्निपथ स्कीम को चेंज होना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।